हेलो गाइस, वेलकम टू हिंकूच। मैं हूँ वंदना। अभी अभी मैं एक कॉन्सर्ट से आ रही हूँ। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। इट वॉज सो क्राउडेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सही लग रहे हैं। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सो का प्रयोग कहाँ करना है और सच का प्रयोग कहाँ करना है। तो आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं और जानते हैं कहाँ हम सो का यूज करते हैं और कहाँ सच का यूज करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू यूज सो एंड सच। सो और सच दोनों का ही मतलब होता है बहुत, इतना या फिर ऐसा। सपोज आपने कोई लड़की देखी और कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर लड़की है, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सच ब्यूटिफुल, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सच ब्यूटिफुल। क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या इनमें से कोई एक सही है? शी इज सो ब्यूटिफुल सही है, शी इज सच ब्यूटिफुल गलत है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है इनके। तो आइए सीखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब लगाएंगे, फिर सो और फिर एडजेक्टिव। जैसे कि वहां बहुत भीड़ थी, इट वॉज सो क्राउडेड। क्राउडेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। इट वॉज सो क्राउडेड। इट सब्जेक्ट वर्ब वॉज सो क्राउडेड। तो सो का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सो के बाद आप सिर्फ एडजेक्टिव लगाते हैं। वह कितना शरारती है, ही इज सो नॉटी। ये लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, द बॉय इज सो इंटेलिजेंट। आप कितने प्यारे हो, यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट। अब इन चारों सेंटेंसेस में मैंने सो के बाद एक एडजेक्टिव का प्रयोग करा है। इट वॉज सो क्राउडेड, वहां कितनी भीड़ थी। ही इज सो नॉटी, वह कितना शरारती है। द बॉय इज सो इंटेलिजेंट, लड़का कितना बुद्धिमान है। यू आर सो स्वीट, आप कितने प्यारे हैं, यू आर सो स्वीट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ सो का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव। आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो और सो के बाद एडजेक्टिव। तो अब आपको सो का प्रयोग करके कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यू आर सो स्मार्ट, आप कितने स्मार्ट हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस सो का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो सो का क्या मतलब हुआ? इतना, बहुत, कितना। सो सच का मतलब भी यही होता है, लेकिन इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं सच का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सच प्लस एडजेक्टिव। ये तो सो का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर था। एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बस इतना सा ही डिफरेंस है। सो में हमने नाउन नहीं लगाया था एडजेक्टिव के बाद, लेकिन जब हम सच का प्रयोग करेंगे तब हम एडजेक्टिव के बाद नाउन भी लगाएंगे। इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी, कितनी बोरिंग मूवी थी। इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी। देखिए बोरिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव, और मूवी क्या है, नाउन। तो एडजेक्टिव के बाद मैंने नाउन का भी प्रयोग करा है। तो जब कभी भी आप एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे तो आप सच लगाएंगे, सो नहीं। ध्यान रखिएगा आप सच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, इट वॉज सच अ क्राउडेड प्लेस, इट वॉज सच अ क्राउडेड प्लेस। तो सच के बाद हमने एडजेक्टिव भी लगाया और नाउन भी लगाया। जब कभी भी आप सच का प्रयोग करेंगे तो आप सच के बाद एडजेक्टिव भी लगाएंगे और नाउन भी लगाएंगे, और सो के साथ सिर्फ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सो एंड सच में बस इतना सा ही डिफरेंस है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बहुत, इतना। द मूवी वॉज सो बोरिंग, इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी, इट वॉज सच अ बोरिंग मूवी। इट वॉज सो क्राउडेड, इट वॉज सच अ क्राउडेड प्लेस, वह कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह थी। इट वॉज सच अ क्राउडेड प्लेस, वह कितना शरारती लड़का है। ही इज सच अ नॉटी बॉय, वह कितना शरारती लड़का है। बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गई, और नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ यूज होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सच।
आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सो का प्रयोग कब करना है और सच का प्रयोग कब करना है। सो के बाद सिर्फ एडजेक्टिव लगेगा और सच के बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों लगेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन कोच। थैंक यू।